तो आज इस जलसे से क्या तात्पर्य है? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, इंसानियत का संदेश देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ प्रधानमंत्री तक ये अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते हमारे ऊपर शक करना बंद कर दें। हम भी इस देश का एक हिस्सा हैं। जिस तरीके जिसम में कहीं तकलीफ होती है, हाथ है पैर है मेरा कहीं काट दिया जाए तो तकलीफ होती ना हमें, इस तरीके से हम मुसलमान भी इस देश का हिस्सा हैं, एक आइन है, एक हमारी ताकत है। हम मुसलमानों के ऊपर शक करना बंद कर दिया जाए। हमारे अकाबरीन ने इस देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अपनी जानें निछावर की हैं, और आज हमारे ऊपर शक किया जाता है, हमें आतंकवाद बताया जाता है, आतंकवाद से हमारा जोड़ा जाता है कि हम आतंकवाद से हमारा रिश्ता है। ये खुदा के वास्ते मुसलमानों के ऊपर शक करना बंद कर दीजिए और हमें भी इस मुल्क का एक आइन, एक मुस्तकिल और एक मिजाज इंसानियत का तकाजा है कि हमको भी समझें और हम मुसलमान जो इसके लिए अपनी जान निछावर कर देंगे और हमारे जो बर्मा के मुसलमान हैं उनका कत्ल आम बंद किया जाए और हमारा जो है उनकी मदद की जाए और सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा है उस पर अमल किया जाए। भाई मैं इतना कहना चाहता हूँ, भारत सरकार से आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि जिस तरीके से आम हिंदुस्तानी रह रहे हैं इसी तरीके से बर्मा के मुसलमान रोहिंग्या मुसलमानों को भी रहने की इजाज़त दी जाए और उनको भी अपने बच्चों को पालने की ताकत दी जाए। हमें देख तो ये कुर्ता पैजामा वाले आतंकवाद नजर आते हैं, छोटे छोटे बच्चे पानी के अंदर वो लिए जा रहे हैं, क्या वो आतंकवाद हैं? वो AK-47 चलाएंगे क्या? क्या वो जो है अपनी बात को इस तरीके से उन्हें लग रहा है कि मुसलमान जो है ये सारे के सारे आतंकवादी हैं? ये गलत बात है। हमारे ऊपर शक करना बंद कीजिए। जब हमारे अकाबरीन ने देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें निछावर कर दी हैं, अपने जो है जान को जान नहीं छपना, अपने बच्चों को बच्चे नहीं समझा, आज ये जो हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब के मंच से ये बात पहुँचाई जा रही है, ये इंसानियत का एक तकाजा है, इंसानियत की एक बहस है, एक लंबी चौड़ी बहस है, जो अमन का एक पैगाम दिया जा रहा है ये मोदी जी तक मैं पहुँचाना चाहता हूँ। इसको समझें, इसको अपने गौर करें और इस पर दूसरे देशों में आप जाते हैं वहाँ भी जो है दावतें खाते हैं और वहाँ रह के भी हमारे मुसलमानों की बात करते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे और यहाँ आके चंद मुसलमानों को अलग कर रहे हैं और रोहिंग्या के मुसलमानों को यहाँ से हटाया जा रहा, भगाया जा रहा है। इस पर गौर फिक्र करें और इस पर सोचें और जो है इसके ऊपर अपने ठंडे दिमाग से अमल करें। और हमारा भी ये मुल्क है और हम इस मुल्क में रहने वाले हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। जितना दूसरों का हक है उतना हम मुसलमानों का भी हक है और हम इस पर अमल इंशाअल्लाह करेंगे और उसी भाई के दर्द में हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। धन्यवाद।